हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नए प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हो जो कि आपकी प्रॉब्लम हो रही है, नॉट एक्सेप्टेड बता रहा है कार्ड, और गूगल पे में आप जैसे ही जा रहे हो ऐड करने के लिए लेकिन वो ऐड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उसको ऐड करना है और 100% आपको वो ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना आप मत भूलिएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने गूगल पे अकाउंट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आपको जाना है। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना गूगल पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने गूगल पे में, उस पर हम लोग कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड लगाना है, जो भी आपने इसमें लगा रखा है, और नहीं लगा रखा तो आप लगा सकते हो बाद में भी। तो हम लोग इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये इंटरफेस मेरा आ चुका है। तो अब मेरा ये तो मेरा लॉगिन हो चुका है। मतलब कैसे मैंने किया था मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले आपको चल जाना है यहाँ पे अपने अकाउंट पर। तो हम लोग चल जाते हैं अपने अकाउंट पर। अकाउंट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेम आ चुका है, यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसके बाद आपको जहाँ जब भी आप यहाँ पे जा रहे थे पे यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐड करने में, तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी आप वो कार्ड ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे एक नया मैसेज आ रहा था, कार्ड टाइप नॉट एक्सेप्टेड यहाँ पे लिखा हुआ। जब भी आप स्कैन कर रहे थे तो कार्ड टाइप नॉट एक्सेप्टेड आ रहा था, या आप नीचे क्लिक करके डाटा मैनुअली भी लिख रहे थे तो यहाँ पे आपका आ जा रहा था लिखा हुआ कार्ड टाइप नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको इसको यहाँ से ऐड नहीं करना है, दूसरी जगह से करना है। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से करना है। आपको कट कर लेना है, पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पे जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन है इस पर कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका देख सकते हैं बैंक अकाउंट जो भी आपका लिंक होगा यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक। ऐड बैंक अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करो इस बार आपका आपको अपना बैंक यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं चूज़, जैसे मेरा यूनियन बैंक का है तो हम लोग उस पर कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे में फेल्ड बता दिया, क्योंकि मैं पहले से ही जो भी इस नंबर से मेरे अकाउंट लिंक है वो मैं कर चुका हूँ। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, प्रोसीड का ऑप्शन आपका ऑप्शन आने वाला है यहाँ पे। तो आपको यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वो कार्ड नंबर के लास्ट 6 डिजिट पूछा जाएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे ऊपर साइड। जैसे आप क्लिक करोगे प्रोसीड, यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट आपके डेबिट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा। लास्ट 6 डिजिट वो आपको एंटर करना है, आपकी एक्सपायरी डेबिट कार्ड की वो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आपको मिलने वाली है। उसके बाद जो भी बता रहा हूँ मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि अब मैं फिर से दूसरा मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो भी हो सकता है कैसे आप ऐड करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कैसे आप मैंने ऐड किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वो चीज़ ऐड करके और जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ऐड करके आपको यहाँ पे आप अपना ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 100% ऐड हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ तो ऐड नहीं होगा। आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई है वही वही आपको करना है। यहाँ प्रोसीड पहले ऑप्शन आएगा, उस पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा कार्ड टाइप ऐड करने का, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे 6 डिजिट लास्ट के एंटर करने के लिए आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको और नीचे यहाँ पे वहाँ पे इसकी एक्सपायरी लिखने के लिए मिलेगी, और जैसे आप उसको ऐड करोगे और भी शायद CVV नंबर शायद पूछता है तो वो भी आप एंटर कर दोगे, आपके उसमें दिया रहता है डेबिट कार्ड में पीछे, तो उसको आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली मतलब कि आपका वो मतलब जो अकाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। फिर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे रिवॉर्ड भी मिला 4 रुपीज़ का, तो मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग का चले जाते हैं रिवॉर्ड सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे है रिवॉर्ड सेक्शन, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिवॉर्ड्स में हम लोग कर लेते हैं क्लिक। तो रिवॉर्ड्स में क्लिक करते ही देख सकते हैं आप मुझे ये 4 रुपीज़ का रिवॉर्ड हुआ। तो अभी आप जैसे ही लॉगिन करो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग करिए, क्योंकि ऑफर अभी चल रहा है जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है 1 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक का। तो मुझे 4 रुपीज़ रिवॉर्ड यहाँ पे मिला हुआ है, तो आपको भी कुछ भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हो। तो हम लोग चले जाते हैं अपने चैनल पर। तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपके कोई और प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।